वेलकम टू एग्ज़ाम मैनिया। आज आप लोगों के लिए RRB CBT 2 का पेपर लाए हैं। डेट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली ये GK का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इन 1987 वाज वियना कॉन्वर्सेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ था उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स द, तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉस्ट एस्टिमेट होता है उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? इक्विपमेंट एंड ओवरहेड कॉस्ट, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों ये सभी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम कैन बी डन बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, थ्री मोमेंट थ्योरम। दोस्तों कंटिन्यूअस बीम के लिए, एनालिसिस के लिए ये तीनों मेथड ही यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द रेन वाटर होल्स इन द पैरापेट और इन एजिंग इज कॉल्ड एज वाटर प्रूफिंग, वीप होल, एज होल, डी होल। दोस्तों रेन वाटर होल्स पैरापेट में जो होता है उसको बोलते हैं वीप होल। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैट प्रूफिंग मेजर फॉर हाउसेस, एलिवेशन, फ्लैड वॉल्स, ड्राई फ्लैट प्रूफिंग, डी डिटेंशन बेसिन्स। तो हाउस के लिए जो फ्लैट प्रूफिंग मेज़र है इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो फ्लैट वॉल्स भी होता है, एलिवेशन भी होता है, ड्राई फ्लैट प्रूफिंग भी होता है, डिटेंशन बेसिंस नहीं होता है। ठीक है, आंसर होगा डिटेंशन बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज, HTML, FTP, URL, HTTP। इसका आंसर होगा HTTP, देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, जो वायु के जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर्स, विंड इंडिकेटर, टिंटोमीटर और बाफर्ड स्केल। देखिए बैरोमीटर विंड्स का प्रेशर मापने के लिए, ठीक है, टिंटोमीटर कलर के लिए, और यहाँ पे विंड इंडिकेटर और बाफर्ड स्केल। इसमें आंसर होगा बाफर्ड स्केल, याद रखना बीफोर्ड स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट्स के लिए बीफोर्ड स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूनिट मेथड, डी फोर्स मेथड। दोस्तों मोमेंट
डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और जो फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड को बोलते हैं फ्लेक्सिबिली मेथड और फोर्स मेथड और कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये तीनों। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही एक एग्जांपल है, याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट मेथड को स्टीफनेस मेथड या इक्विलिब्रियम मेथड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द एंड ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक इन ए लूप। देखिए ये भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर होगा डी, ब्रेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। द स्ट्रेसेस कॉस्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फ्लेक्चरल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। फ्लेक्चरल स्ट्रेस होगा आंसर दोस्तों। बेंडिंग मोमेंट और फ्लेक्चरल स्ट्रेस, बेंडिंग को फ्लेक्चरल भी कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट शुड बी लेस देन 1 टाइम द साइज ऑफ द वेल, 3 टाइम्स द साइज ऑफ वेल, 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल, 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल। इसका आंसर होगा 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट शुड बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द सरफेस ऑफ पेंटिंग इज मेजर्ड इन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आरआरबी में आया था। द सरफेस ऑफ पेंटिंग स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है, सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लीड बार इनसाइड रबर व्हिच बेंड्स कॉन्वेक्सली टू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रू एनी सेट ऑफ पॉइंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग एड इज दिस। तो फ्लेक्सिबल कार्प को पॉइंट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है? स्केल, ऑप्शन बी फ्रेंच कार्प, ऑप्शन सी सेट स्क्वायर, डी डिवाइडर। देखिए दोस्तों, कार्प को पॉइंट आउट करने के लिए फ्रेंच कार्प इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, याद रखना फ्रेंच कार्प। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, नंबर 14। इन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपरली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज सेग्रीगेशन, बी बॉलिंग, सी स्पॉलिंग, डी कंजेशन। दोस्तों फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में फाइबर डिस्पर्स प्रॉपरली नहीं होगा तो जो प्रॉब्लम आएगा उसको कहते हैं बॉलिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज आर नॉट इंक्लूड इन द कार्पेट एरिया, बरामदा, कॉरिडोर एंड पैसेज, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन सी एंट्रेंस गेट, डी द वॉल्स अलोंग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स। देखिए कार्पेट एरिया में ये सभी को इंक्लूड एक्सक्लूड किया जाता है, मीन्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
ऑल ऑफ द ऑप्शन, सॉरी ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द हाइट ऑफ इट्स क्रास्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज द मेंबर ऑफ वेव फेस्ट पासिंग ए फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी का तीनों ऑप्शन ही सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ए चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूशन, कंडेंसन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन। तो सॉलिड से हीट देने के बजाय डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाने का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा जाता है, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातन, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी एट द फ्री एंड। पी एल क्यू वाई 5 ई आई, बी पी एल क्यू वाई 3 ए आई, पी एल क्यू वाई 365 ई आई, पी एल क्यू वाई 34 ई आई। तो देखिए, कैंटिलीवर के लिए डिफ्लेक्शन होता है पी एल क्यू वाई 3 ई आई फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, इसका आंसर होगा पी एल क्यू वाई 3 ई आई। और स्लोप होता है पॉइंटलेट के लिए पी एल स्क्वायर वाई 2 ई आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट, इफ द कॉम्पैक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.95 एंड ग्रेटर देन 0.85, देन द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्केबिलिटी इज वेरी गुड, मीडियम, फेयर या गुड। देखिए क्या पूछा है, कॉम्पैक्शन वैल्यू दिया है 0.95 और 0.85 के बीच में, तो उसका वर्कबिलिटी स्टैंडर्ड क्या होगा पूछा है, इसका आंसर होगा मीडियम। ठीक है दोस्तों, 0.85 से नीचे होगा तो उसको होता है लो, और 0.95 से ऊपर होता है तो वर्केबिलिटी होता है हाई। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कर्व एंड मीडियन आर टू एलिमेंट्स इन ए हाईवे क्रॉस सेक्शन, चूज द करेक्ट मैच। मीडियन इज लॉन्गिट्यूडिनल एलिमेंट एंड कर्व इज लेटरल एलिमेंट। कर्व एंड मीडियन क्लासिफिकेशन नेम्स आर नॉट बेस्ड ऑन पोजिशन इन पेवमेंट क्रॉस सेक्शन बट बेस्ड ऑन देयर शेप। वन कर्व एट द मिडिल एंड टू मीडियंस एट द साइड इज कर्व फॉर बोथ द साइड एज ऑफ द पेवमेंट एंड वन मीडियन एट द सेंटर लाइन ऑफ द पेवमेंट। दोस्तों, कर्व और मीडियन का किसको कहा जाता है, देखिए अगर एक रोड का क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा तो ये साइड में जो होगा कर्व, सेंटर में
एक प्लेस होता है जहाँ पे पेड़ पौधा वगैरह होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेडियन, हिमेडियन, और ये कार्प, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, कार्प फॉर बोथ द साइड एज ऑफ द पेमेंट एंड वन मेडियन एट द सेंट्रल लाइन ऑफ द पेमेंट। सेंट्रल लाइन में मेडियन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसको हम थोड़ा डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लेज टाइल्स और ब्रिक्स आर यूज्ड एज फेसिंग मटेरियल फॉर द रबल और कंक्रीट और ब्रिक बैकिंग इज ब्रिक बैक्ड एसलर मैसनरी, स्टोन फेसिंग विद ब्रिक रबल और कंक्रीट बैकिंग मैसनरी। ऑप्शन सी, ब्रिक फेसिंग विद रबल और कंक्रीट ब्रिक मैसनरी। डी, रैंडम रावल मैसनरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ब्रिक फेसिंग विद रावल और कंक्रीट बैकिंग मैसनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द गॉड आर सेविंग टू और मोर देन टू वेव्स आर कॉल्ड बॉक्स गार्डर, प्लेट गार्डर, गैंट्री गार्डर और बैलेंस्ड गार्डर। तो दो और दो से ज़्यादा वेव वाला गार्डर को क्या कहा जाता है? बॉक्स गार्डर, प्लेट गार्डर, गैंट्री गार्डर या बैलेंस गार्डर। तो इसका आंसर होगा बॉक्स गार्डर, ठीक है। बॉक्स गार्डर में क्या होता है? ऐसा ऐसा इसमें दो वेव होता है, ठीक है, दो से भी ज़्यादा वेव हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज मोर प्रिलिवेंट इन इंडिया? डिजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड, सॉयल इरोशन और सॉयल सब्सीडेंस। इंडिया में कौन सा इसमें से ज़्यादा देखा जाता है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी, सॉयल इरोशन। इंडिया में सॉयल इरोशन ज़्यादा देखा जाता है कि इंडिया की जो मोस्ट एरिया है वो प्लेन है, ठीक है, लैंडस्लाइड जनरली हिली एरिया में होता है, ठीक है। सॉयल इरोशन का मतलब मिट्टी का जो क्षय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट एट विच शियर फोर्स चेंजेस इट साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, टॉर्सनल मोमेंट या ऑल ऑफ द ऑप्शन। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किसको कहा जाता है? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, ठीक है। तो आंसर होगा बेंडिंग मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये जीके का क्वेश्चन है कि मिताली राज कौन सा स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं? तो इसका आंसर होगा मिताली राज क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26।
अकॉर्डिंग टू ICAO रिकमेंडेशन व्हाट इज द रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन फॉर द रनवे अबव MMSL 2% फॉर एवरी 300 mm ऑफ एलिवेशन अबव MSL 2% फॉर एवरी 500 meter ऑफ एलिवेशन अबव MSL 1% फॉर एवरी 100 meter ऑफ एलिवेशन अबव MSL या ऑप्शन डी 7% ऑफ एवरी 300 meter ऑफ एलिवेशन अबव MSL। तो इसमें से आंसर क्या होगा, इसमें से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7% ऑफ एवरी 300 meter ऑफ एलिवेशन अबव MSL। ठीक है, ये रनवे का एलिवेशन करेक्शन का रेट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक बॉडी रोल कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस है उसको कौन सा क्या कहा जाता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, याद रखना। आंसर रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ऑप्शन सी। और दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब एक इंक्लाइंड सरफेस पे एक मटेरियल होगा ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाएगा, और अगर ये मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको डायनामिक फ्रिक्शन कहा जाएगा। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ये जीके का क्वेश्चन है, इसको अवॉइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ ए बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर ए गिवेन एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया या रेडियस ऑफ जायरेशन। दोस्तों जहाँ पे होल बॉडी का मास जो डिस्टेंस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और उस डिस्टेंस को क्या कहता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है दोस्तों, रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट डिस्टेंस है, याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया मत लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट होता है मीटर में, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है मिलीमीटर और मीटर टू द पावर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बल्क मॉड्यूल कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का साथ देखिए वॉल्यूम का रिलेशन है। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है, और बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल शुड नॉट बी लेस देन 2.5 times द डायमीटर ऑफ द होल, 3 times द डायमीटर ऑफ द होल, 3.5 times द डायमीटर ऑफ द होल, 2 times द डायमीटर ऑफ द होल। बस तो बेसिक सा क्वेश्चन है,
2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द होल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेस स्लंप ऑफ कंक्रीट ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन? डिटरेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, ड्राइंग ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, डिस्पर्सन एंड डिफ्लोकुलेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, डेंसिफिकेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। दोस्तों सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो स्लम इंक्रीज करता है कौन सा फिनोमेनन के वजह से? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्पर्सन एंड डिफ्लोकुलेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जीके का क्वेश्चन है, राकेश शर्मा कौन सा कंट्री का स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में गया था? सोवियत यूनियन का होगा। क्वेश्चन नंबर 34। नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स, ड्राइंग सीट, टेम्पलेट, सेट स्क्वायर, ऑल ऑफ द ऑप्शन। देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ये सभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द लॉ ऑफ ट्रायड वॉज गिवन बाय, देखिए ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ट्रायड जे डब्ल्यू डोवर्नियर ने एम्प्लॉय किया था। ठीक है, आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द वाटर इन द सॉयल व्हिच इज एक्सेस ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर एंड व्हिच कैन मूव फ्रीली डाउनवर्ड्स व्हेन द सॉयल इज पोरस एंड ड्रेनेज अवेलेबल इज कॉल्ड? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फायरिंग वाटर, फ्री वाटर, कैपिलरी वाटर। दोस्तों यहाँ पे बोल दिया है कि हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर के एक्सेस से, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्री वाटर कहा जाता है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी से ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो पूरा सॉइल में वो ग्रेविटेशन के वजह से नीचे जाएगा, उसको फ्री वाटर कहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ हार्ड एंड कॉन्क्रीट, इट फॉर्म्स ए क्रैक नोन एज रैंडम क्रैक, शेयर क्रैक, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक, सेटलमेंट क्रैक। तो यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे बोला है कि कंक्रीट का जो हार्डेंड सेटलमेंट होता है यूनिफॉर्म, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसमें एक क्रैक जनरेट करता है, तो उस क्रैक को क्या बोलता है? उसको बोलता है सेटलमेंट क्रैक। याद रखना दोस्तों, उसको सेटलमेंट क्रैक बोलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये क्रैक जेनरेट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, 38 का आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इमहॉफ कोन इज यूज टू मेजर सेटलेबल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, कोलोइडल सॉइल और डिसॉल्व्ड सॉलिड। इमहॉफ कोन जो है वो सेटलेबल सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प टू जज
ए द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, बी द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, सी बोथ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, नाइदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म नॉर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। दोस्तों फिनेंशियल एनालिसिस जो होता है, फिनेंशियल एनालिसिस से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों ही पता चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल स्ट्रेस टू एक्सेस द इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ एन अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एज एन एक्सकेवेशन और ए प्लेसोप, सी यू टेस्ट, सी डी टेस्ट, यू यू टेस्ट या अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। दोस्तों सी यू मीन्स कॉन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट, कॉन्फाइंड ड्रेन टेस्ट या अनकॉन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट और अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनकॉन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट। देखिए क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। द प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन क्योटो प्रोटोकॉल, द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द नॉर्थ सी, सी द अर्थ समिट, डी वियना कॉन्वर्सेशन। दोस्तों इसका आंसर होगा द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑन द नॉर्थ सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। टारजागिस बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर ऑफ सॉयल एंड बल्क डेंसिटी ऑफ सॉयल, बी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉयल एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ सॉयल एंड ड्राई, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉयल ओनली। देखिए टारजागिस बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो है वो ओनली एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉयल ओनली, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।